Okay, we are going to write a program using a stack using array. ठीक है, तो इस वीडियो को फॉलो करने से पहले आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि स्टैक एल्गोरिदम वाला जो वीडियो पोस्ट किया गया है ऑलरेडी, उसको एक बार प्लीज़ देख लो, क्योंकि मैं वो वापस से बोलने वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे आ रहा हूँ. मैंने अपना लैंग्वेज सी लिया हुआ है. ठीक है, ऑलराइट, तुम लोग जावा या कोई भी लैंग्वेज से ये एल्गोरिदम्स को अप्लाई कर सकते हो. मैं सी से इस बात को बताता हूँ. अच्छा, जो लोग सी से एक्स्टम्ड है उनको तो पता ही है, हैश इंक्लूड एसटीडीआईओ डॉट एच एंड कोनियो चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब एसटीडीआईओ चाहिए. अगर टर्बो सी वगैरह में कर रहे हो टर्बो सी में तो कोनियो डॉट एच चाहिए, और ख़ास कुछ हेडर फाइल इस सिंपल प्रोग्राम के लिए नहीं चाहिए, स्टैक यूजिंग एरे. अच्छा, तो वो तो याद ही होगा कि स्टैक यूजिंग एरे कैसा था. एक एरे होगा जिसका साइज तुम्हें बताना पड़ेगा. तो मैंने एक इंटीजर टाइप का स्टैक बनाया जहां मैं डेटा इंटीजर टाइप का रखने वाला हूं. मेरा एक वेरिएबल है टॉप, टॉप को मैंने माइनस वन करके रखा हुआ है क्योंकि एरे इंडेक्स वन से शुरू होता है. तो ये मेरा जो माइनस वन है वो क्या कह वो उसको माइनस वन को नल के हिसाब से रिप्रेजेंट करेगा. तुम कहोगे क्या मैं टॉप इक्वल टू नल लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, लेकिन जब पॉइंटर्स के साथ काम करोगे जब, वो हम आगे करने वाले हैं. लेकिन फिलहाल टॉप कोई भी गलत इंडेक्स जैसे ज़ीरो से लेके हमारा कितना है 20 अगर बॉक्सेस है तो ज़ीरो से लेके कितना तक है 19 तक है. तो मैंने माइनस वन को नल पकड़ा हुआ है. ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि टॉप प्लस प्लस करने से कहाँ आ जाएगा ज़ीरो, जो कि एक वैलिड एड्रेस है, इसीलिए मैंने माइनस वन किया है जो रिप्रेजेंट करेगा नल. मैक्स टैग एक वेरिएबल था तुम्हें याद होगा. ठीक है ना, तो मैक्स टैग जो है 19th इंडेक्स तुम्हें पता ही है क्योंकि जो साइज इज 20 स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड विल गो टिल 19, सो आवर मैक्स टैग इज 19 हियर. देखो हमने मेन प्रोग्राम से पहले ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं. यहाँ पे डिक्लेयर करने से क्या फ़ायदा होगा कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये लोग सारे ग्लोबल बन जाएंगे. ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल में क्या अंतर होता है, जैसे मैंने मेन के अंदर एक वेरिएबल लिया int ch, इस वेरिएबल को अगर तुम पुश या पॉप या डिस्प्ले किसी भी फंक्शन में इसको तुम काम करवाना चाहोगे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि सी एच इज़ लोकल टू दिस कॉपी और वो यहीं पर एक्टिव रहता है, तुम्हारे दूसरे किसी पार्ट पे वो नहीं जा सकता. ठीक है, लेकिन जब मैंने वेरिएबल्स को इस तरह से डिक्लेयर किया हुआ है बाहर सबसे बाहर, तो ये ग्लोबल हो गए. दैट मीन्स इनको सारे फंक्शंस समझते हैं और कहीं पे भी कोई चेंजेस होगा तो सारे में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे. मैंने क्या किया, मैंने तीन फंक्शंस लिया है, पुश पॉप डिस्प्ले. याद होगा एल्गोरिदम में पीक भी था, तुम चाहो तो ऐड कर सकते हो पुश पॉप डिस्प्ले. थोड़ा सा मेन के बारे में बता देते हैं. हमने प्रिंट एफ करके स्लैश एन से न्यू लाइन तो एक मेन्यू बना लिया कि वन प्रेस करोगे तो पुश, टू से पॉप, थ्री से डिस्प्ले, फोर से एग्जिट, अब एंटर योर चॉइस. वाइल वन डैट इज़ ये लूप वाइल ट्रू चलता रहेगा. जब मैं इसको फोर्सिबली बाहर निकाल दूंगा लूप से तो ये लूप बंद हो जाएगा. वो कैसे होगा वो देखते हैं. स्कैन एफ तुमने बोला कोई भी चॉइस तुम वन दे सकते हो, टू, जो भी तुम्हारा मर्जी, वन से लेके फोर तक भी दे सकते हो या कुछ और भी दे सकते हो. लेकिन अगर तुमने वन प्रेस किया तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, पुश. पुश कैसा फंक्शन है, पुश कॉल करने के लिए ना कोई आर्ग्यूमेंट चाहिए ना वो तुम्हें कुछ रिटर्न करता है. मैंने सबसे सिंपल वाला रखा हुआ है. ठीक है, तो उसको बुलाने का स्टाइल भी क्या है, पुश, नो आर्ग्यूमेंट गिवन, नथिंग विल बी रिटर्न, ब्रेक. तो इफ़ आई प्रेस वन पुश फंक्शन कॉल, पुश फंक्शन काम करेगा, वापस आएगा, ठीक है, ब्रेक करके बाहर जाएगा, फिर से तुम री एंटर करोगे, फिर से चॉइस लेगा. इस तरह से कोई टू प्रेस करता है तो पॉप कॉल होता है, कोई थ्री प्रेस करता है तो डिस्प्ले, कोई फोर प्रेस करता है तो देखो क्या किया मैंने, ब्रेक. ब्रेक का मतलब सॉरी यहाँ ब्रेक ना करके हम करते हैं रिटर्न ज़ीरो. रिटर्न ज़ीरो मतलब क्या होता है, मेन से ज़ीरो रिटर्न करना, मतलब तुम ऑर्डर दे रहे हो कि इसको नॉर्मल टर्मिनेशन कर दो, टर्मिनेट इट नॉर्मली. ठीक है, सो द प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड इफ़ समवन प्रेसेस फोर. लेकिन अगर कोई वन टू थ्री फोर के अलावा भी कुछ प्रेस करता है तो वो डिफ़ॉल्ट में जाता है और कहता है कि ये रॉन्ग चॉइस है, तुम वापस से एंट्री करो. ओके, अब हम लोग पुश फंक्शन में आ जाते हैं. पुश फंक्शन में क्या था,
याद है ना, पहले तो क्या आप चेक करते हो ओवरफ्लो। तो अगर सोचो कि हमारे केस में हमारा जो स्टैक है वो अभी क्या है, टॉप इक्वल टू क्या किया हुआ है, माइनस वन है ना। तो तुमने पुश फंक्शन कॉल किया, यहाँ आया, क्या टॉप मैक्स स्टैक है, नहीं। तो फिर क्या होगा, बोलेगा इंटर डेटा जो आइटम में लोगे। आइटम में क्या लिया, सपोज़ मैंने दिया 10, फिर क्या होगा एस प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट, पहले टॉप इंक्रीमेंट करो, माइनस वन था टॉप, जीरो हो गया, फिर उस जगह पे हम आइटम को रख देते हैं, दैट इज़ 10। बैक करके चले जाएंगे फंक्शन में, फिर से वन प्रेस किया तो वापस पुश फंक्शन कॉल होगा। इस बार क्या टॉप कितना है, ज़ीरो है, क्या ये मैक्स स्टैक है, नहीं है। सो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से बोलेंगे एंटर डेटा, दैट इज़ इस बार तुमने 20 दिया हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, एस ऑफ प्लस प्लस टॉप, तो पहले टॉप वन हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, इस तरह से टॉप इंक्रीमेंट होगा और उस जगह पे आइटम को हम रखते जाएंगे। ये हो गया हमारा पुश फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या है, अंडरफ्लो चेक करता है, कब होगा अंडरफ्लो, अगर तुम्हारा स्टैक में कुछ नहीं है। कैसे पता चलेगा, अगर टॉप माइनस वन है तो फिर टॉप अगर माइनस वन है, दैट इज़ टॉप माइनस वन कब होता है, जब कुछ भी नहीं होता है स्टैक में, तो अंडरफ्लो। अदरवाइज क्या करोगे, तुम चाहो कि शो कर दूँ मैं टॉप में क्या है, तो एस ऑफ टॉप में सपोज़ यहाँ पे अभी तुम्हारा टॉप कितना है 2 और तुम्हारा एलिमेंट कितना है 30, तो तुमने कहा कि पॉप्ड एलिमेंट इज 30 पहले बोल दो एंड देन टॉप माइनस माइनस, तो टॉप कहाँ आ जाएगा, इधर। तो लॉजिकली सोचो कि ये डिलीट हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ पुश एंड पॉप फंक्शन वर्क्स। नाउ लेट्स सी हाउ डिस्प्ले वर्क्स। डिस्प्ले में भी अगर टॉप माइनस वन है तो क्या कहोगे, कि स्टैक में कुछ है ही नहीं इसीलिए डिलीट किया है ना, कुछ डिलीट शो करने का कुछ है ही नहीं। अदरवाइज क्या करोगे, आई इक्वल टू, सपोज़ ये तुम्हारा स्टैक है जहाँ पे तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30 और टॉप है यहाँ पे, तो तुम क्या कर रहे हो, एक आई लूप चला रहे हो। देखो आई एक वेरिएबल है, सो इंटीजर आई वहाँ पे ऐड कर लो, इंटीजर आई, और आई कहाँ से शुरू हो रहा है, टॉप से, दैट इज़ 2 से कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएगा, और एक एक एलिमेंट शो करेगा न्यू लाइन। सो पहले एस ऑफ आई 30 प्रिंट होगा, फिर आई माइनस माइनस यहाँ पे आएगा, टॉप ऑफ आई, सॉरी स्टॉप स्टैक ऑफ आई, आई माइनस माइनस, फिर 10 प्रिंट होगा इस तरह से, है ना। तो इस तरह से मेरा स्टैक शो हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रोग्राम जो हमने एल्गोरिदम लिखा था स्टैक का एरे के थ्रू, उसका इम्प्लीमेंटेशन है ये, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा क्यू के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो क्यू क्या है, क्यू एक फीफो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वहाँ दो वेरिएबल्स लगते हैं, एक पहला कौन है, एक लास्ट कौन है, जानने के लिए। पहला कौन है वो फ्रंट रखता है हिसाब, एंड लास्ट कौन है वो जानने के लिए रेयर रखता है। कुछ पिछला प्रोग्राम जैसा ही मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, मैंने क्यू लिया है, इंटीजर टाइप डेटा रखूँगा, फ्रंट रेयर दोनों को माइनस वन कर दिया, ये बताने के लिए कि नल है, और मैक्स क्यू भी हमने रख लिया हुआ है। अच्छा, ये जो एल्गोरिदम मैं कर रहा हूँ ये सिंपल क्यू के लिए है, और तुम्हारा जो टास्क रहेगा वो होगा सर्कुलर क्यू। तुम्हें एक प्रोग्राम लिखना होगा, एक्चुअली दिस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना होगा ताकि वो सर्कुलर क्यू बन जाए, नहीं होगा तो मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो इस बार मैंने 3 फंक्शन लिए हुए हैं, एन क्यू, डी क्यू, डिस्प्ले, जैसे कि पुश पॉप एंड डिस्प्ले था, और वही मेन्यूज वही सब कुछ है। तो मुझे आई डोंट थिंक आई हैव टू रिपीट दिस थिंग, सेम टू सेम, खाली जाके अब हम लोग फंक्शंस को थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, तो ये है हमारा एन क्यू या फिर इंसर्ट एल्गोरिदम। नाउ इंसर्ट एल्गोरिदम में तुम क्या क्या पहले चेक करते हो, जब भी कुछ इंसर्ट करते हो तो तुम चेक करते हो कि ओवरफ्लो तो नहीं हो गया। तो अगर बाई चांस ये सिंपल क्यू है और तुम्हारा जो मैक्स क्यू है जो है 19, अगर बाई चांस तुम्हारा रेयर वहाँ पे है, सपोज़ यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये फ्रंट और ये रेयर, ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ रेयर मैक्स क्यू पहुँच चुका है, ये तो सिंपल क्यू है तो आगे तो नहीं आने देगा, तो दैट मीन्स उस टाइम क्या होगा, क्यू ओवरफ्लो। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो रिटर्न का बात है, रिटर्न का मतलब देखो, मैं कोई डेटा रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। तुम तो बोलोगे फंक्शन के पास तो कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये सिंपल रिटर्न लिख सकते हैं, हाँ। ये लिखने से क्या होगा, जहाँ से कॉल हुआ उसके नेक्स्ट लाइन में वो चला जाएगा, ठीक है। ये बात है रिटर्न का। अब देखो, वैसे जब कुछ इंसर्ट होता है तो कौन चेंज होता है और कितना चेंज होता है बताओ। तो ये अगर सपोज ए बी सी है, तो तुम्हारा ये क्या है फ्रंट और ये क्या है रेयर,
तो 0 1 1 फ्रंट है, 2 3 रेयर है, ठीक है ना। तो अब अगर कोई आता है तो कौन चेंज होता है, रेयर चेंज होता है, कितना चेंज होता है, +1 होता है ना, ताकि रेयर यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे तुम डी कोई भी डेटा रख सको। लेकिन जब पहली बार डेटा एंट्री हो रहा है, सिर्फ रेयर चेंज करने से होगा क्या? क्या हमें फ्रंट के बारे में नहीं सोचना है? फ्रंट नल है, रेयर भी नल है, तुमने रेयर इक्वल टू -1 है, रेयर भी नल है, तुमने रेयर प्लस प्लस कर दिया, तो रेयर तो 0 बन जाएगा लेकिन फ्रंट -1 ही रह जाएगा, तो तुम्हें पहला एलिमेंट कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ये फ्रंट इक्वल टू -1, मतलब ये पहली बार इंसर्ट हो रहा है, तो फ्रंट को भी इंक्रीमेंट करो और रेयर को भी इंक्रीमेंट करो, अदरवाइज सिर्फ रेयर इंक्रीमेंट करने से हो जाएगा। हम लोग फिर कहते हैं कि हमें डेटा दो, वो हम इंसर्ट करेंगे और कहाँ रखेंगे, क्यू के रेयर पोजीशन पे, रेयर तो ठीक कर लिया, फिर उस पोजीशन में रख देंगे। अच्छा, तो सिंस मैं एल्गोरिदम को ही ज़्यादातर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या मैं ये ऐसा भी लिख सकता था, स्कैन एफ पर्सन डी डायरेक्टली टेक इट इन टू क्यू ऑफ रेयर, डायरेक्टली भी ले सकते थे। ओके, सिंस मैंने एल्गोरिदम इस तरह से आइटम वगैरह बोल के किया था, इसीलिए तुम लोग को ज़्यादा व्यू देने के लिए मैंने इस तरह का, जितना वेरिएबल बचाओगे उतना तुम्हारा बेटर कोडिंग होगा, राइट। अच्छा, नाउ सी दिस इंट आइटम, आइटम इज व्हाट, आइटम इज़ अ लोकल वेरिएबल, है ना। तो ये लोकल वेरिएबल रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस आइटम का जो मैं डेटा लेके रख दूंगा क्यू के अंदर, उसका डिलीशन में क्या काम, उसका डिस्प्ले में क्या काम। तो इस तरह का वेरिएबल्स जो सिर्फ एक फंक्शन तक ही सीमित रहते हैं जिसका काम, तो उनको हम लोग लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं। कभी मैं बताऊंगा लोकल वेरिएबल्स ज़्यादा रखना ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ग्लोबल वेरिएबल, तो जैसे बोल रहा था कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्यों डिस्करेज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, कभी वो उसके बारे में बातें करेंगे। ऑलराइट, सो अभी आ गए हम लोग डी क्यू में। डी क्यू मतलब डिलीट फ्रॉम अ क्यू, एंड यू नो दैट कौन डिलीट हो सकता है, ओनली जो फ्रंट में है, जो फर्स्ट में है वही डिलीट हो सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो देखो एल्गोरिदम से मैच कराओ, अगर तुम्हारा फ्रंट नल है इसका मतलब कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ऑफकोर्स रेयर भी नल होता है उस सिचुएशन में, किसी एक वेरिएबल को चेक करा लो काम चल जाएगा। तो जब हमने देखा कि फ्रंट नल है इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो अंडर फ्लो नेचुरल है। और तुम चाहते हो कि मैं दिखा दूँ पहले क्या डिलीट हो रहा है, अगर ये ऑप्शनल है, तुम चाहो तो दिखा सकते हो और बोल दो कि डिलीटेड एलिमेंट कहाँ से, क्यू के फ्रंट में जो भी है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्यू में एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, सपोज़ क्यू में एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, ए फ्रंट कौन, यही है फ्रंट, रेयर कौन, 0 1 2 फ्रंट कौन, फ्रंट 2, रेयर कौन, रेयर भी 2। सो दैट मीन्स कैसे पता चलता है एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, अगर फ्रंट एंड रेयर इक्वल होते हैं तो पता चलता है एक ही एलिमेंट है। तो अगर तुम इसे डिलीट करोगे तो फ्रंट एंड रेयर का क्या होगा, पूरा क्यू खाली हो जाएगा ना, तो फ्रंट एंड रेयर दोनों को हम नल ट्रीट कर देते हैं। अदरवाइज नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में होता है कि फ्रंट एक बढ़ जाता है ना, सबको कन्फ्यूजन होता है, घटता है डिलीट हो रहा है तो नहीं, एक्चुअली में ऐसा है ए बी सी डी है, तो दिस इज़ योर 0 1 2 3, व्हाट इज़ योर फ्रंट, योर फ्रंट इज़ 0 राइट नाउ, व्हाट इज़ योर रेयर, रेयर इज़ 3। सो इफ़ यू डिलीट समथिंग विच इज़ सपोज ए, व्हाट सपोज वी हैव टू डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट, सो इफ़ यू डिलीट देन व्हाट विच व्हाट विल बी डिलीटेड, ए विल बी डिलीटेड, एंड व्हाट विल हैपन टू फ्रंट, फ्रंट विल बिकम 1, दैट इज इट इज़ इंक्रीमेंटेड बाई 1। ओके, सो दिस वन वॉज अबाउट क्यू, सिंपल क्यू इंसर्शन डिलीशन, एंड द लास्ट वन इज ऑफ डिस्प्ले। सो वट इज़ डिस्प्ले, अगेन इफ यू हैव सम एलिमेंट्स इन योर क्यू, जस्ट चेक आउट वेदर इट्स एम्प्टी और नॉट, इफ इट इज़ एम्प्टी देन जस्ट गिव द अप्रोप्रिएट मैसेज, एंड अदरवाइज जस्ट शो द एलिमेंट्स ऑन फीफो बेसिस। कहाँ से शुरू करोगे, फ्रंट, दैट इज सपोज यहाँ से, तो 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, रेयर, यहाँ तक जाएगा, प्लस प्लस करके हर एक एलिमेंट को शो कर दो। नाउ दिस वन, दीज आर द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू स्टैक एंड क्यू विथ एरे।